हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि टूअर दाल, जिसको हम कहते हैं, और अरहर का दाल भी कहते हैं। आज हम अरहर का दाल का रेसिपी लाए हैं। अरहर का दाल के लिए हमने ये दाल ले लिया है, इसे वॉश कर लिया है हमने। अब हम इसे कुकर में डालेंगे। बिल्कुल आसान प्रोसेस से बन रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें पानी डाल देंगे जितना हमें ज़रूरत है सीटी दिलवाने के लिए। ये देखिए, हमने ये इतना पानी डाल लिया है जिससे हमारा दाल अच्छे से गल जाए। थोड़ा और डाल देते हैं बस, नहीं तो ज़्यादा पानी होगा तो सीटी देते समय ख़राब हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसमें स्वाद अनुसार अपने अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। आप जैसा खाते हैं उसके अनुसार हम ये एक चम्मच नमक डाल रहे हैं दोस्तों। एक छोटी चम्मच हल्दी, ये देखिए। और अब हम इसे कुक करके गैस पर चढ़ा देंगे। दो सीटी मारने तक के लिए धीमी आंच पर हम इसे रख देंगे, जिससे हमारा दाल दो सीटी में ही बहुत अच्छा गल के तैयार हो जाएगा दोस्तों। आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना अच्छा दाल हमारा गल के तैयार हो जाएगा, और ये खाने में भी बहुत लाजिज लगेगा दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने लो फ्लेम कर दिया है दोस्तों। अब हम इसे सीटी देने तक के लिए वेट कर लेते हैं। दो सीटी चाहिए हमें दोस्तों, जिससे दाल हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सीटी दे दिया है। अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम इसे गैस निकलने तक इंतज़ार करेंगे, अपने आप ये सीटी निकलेगा इस कुकर से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा गैस अब हल्का सा है, इसको हम निकाल लेते हैं और हम इसे फुल कर देते हैं कि हमारा दाल पक के तैयार हुआ है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा दाल देखिए कितना अच्छा सा गला हुआ है। अब हम इसको ऐसे, आपके पास वो ब्लेंडर हो तो उससे ब्लेंड कर लें, या फिर वो दाल मथने वाला रही आता है उससे ब्लेंड कर लें। ये देखिए, अब आप इससे दाल से रोटी खा लीजिए, चावल खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए। अगर आपको फ्राई करने का विचार नहीं है तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और अगर आपको इसको फ्राई करके खाना है तो इसके लिए हम ये प्याज, मिर्च और दो टमाटर काट लिए हैं। हम इसे पहले जीरा का तड़का देंगे, जिसके लिए हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे। इसको हम फ्राई करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम कढ़ाई चढ़ा दिए, इसमें तेल डाल दिए। अब ये हम जीरा डालेंगे हल्का सा तड़का होने के लिए, और इसमें डालेंगे हम रेड चिल्ली। ये देखिए, साथ में ये फ्राई हो जाएगा। अब ये जीरा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा दोस्तों, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारा प्याज ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे दोस्तों। ये अब हम हल्का सा इसमें नमक डालेंगे कि जिससे हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। अब हम इसको टमाटर को इसमें गला लें। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्याज टमाटर बिल्कुल गल गया है अच्छे से। अब हम इसमें दाल डालेंगे। इसमें हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया है दोस्तों। अब हम इसे दाल को पलट देंगे। ये देखिए, ये देखिए, हमारा दाल फ्राई हो गया है दोस्तों। अब दो उबाल आने तक हम इसको अच्छे से, उबाल आने तक इसको
गैस का फ्लेम तेज करके रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वरना आधा वीडियो देख के आप कहोगे कि अच्छा नहीं बना है जी, ऐसे वैसे है, तो ये फिर प्रॉब्लम की बात है। आप पूरा वीडियो देखिए और अपने घर में बनाइए और बताइए हमें कि कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों। ये देखिए हमारा दाल में उबाल आ गया है। अब हम इसे लो फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हम इसे दूसरे बर्तन में पलट लें। ये देखिए दोस्तों हमारा दाल कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है।